प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हर घर में कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता ही है, और कहीं पर डिस्प्यूट होता है अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर, जिसको हम पैतृक संपत्ति भी कहते हैं, और कहीं पर डिस्प्यूट होता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को लेकर, जिसको हम स्वयं अर्जित भूमि या फिर स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट तरीका बताऊंगा, जिससे आप अपना जो भी पारिवारिक संपत्ति का डिस्प्यूट है या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो उसको सिर्फ एक ही दिन में ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि आप अपनी पारिवारिक जो संपत्ति है उसके डिस्प्यूट को सिर्फ एक ही दिन में ख़त्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो संपत्ति है वो कितने तरह की होती है। एक होती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी और दूसरी होती है अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम जान लेते हैं सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी क्या है। कोई भी जो प्रॉपर्टी है, अगर वो मैंने अपनी खुद की इनकम से, खुद की मेहनत से उसको बनाया है, तो वो मेरी है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसको मैं सेल कर सकता हूँ, या फिर उसको मैं रेंट पर दे सकता हूँ, या फिर उसको मैं डिस्पोज कर सकता हूँ, या फिर किसी को भी गिफ्ट या फिर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। लेकिन अगर कोई भी मैंने विल नहीं की है, या फिर ट्रांसफ़र डीड नहीं की है, या फिर सेल डीड नहीं की है, तो उस सिचुएशन में अगर मेरी डेथ हो जाती है, तो तब वहाँ पर उस प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है या फिर शेयर हैं उनमें डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। और जो दूसरे टाइप्स की प्रॉपर्टी है वो है अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो कि चार पीढ़ी से आई है। ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पर आई है, ग्रैंडफादर से फादर पर आई है, और फादर से अगर मेरे को कोई भी प्रॉपर्टी आई है उसको हम कहेंगे अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और इसी प्रॉपर्टी को लेकर जो है वो हर घर में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्यूट पाए जाते हैं, जो कि सालों साल चलते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम ये जाने कि कैसे जो पारिवारिक संपत्ति है या फिर एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है या फिर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी जो है उसके डिस्प्यूट को कैसे हम एक दिन में ख़त्म करें, उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, अगर वो आपका घर पर ख़त्म नहीं होता, तो अगर उस डिस्प्यूट को ख़त्म कराने के लिए आप कोर्ट में जाते हैं, अगर आप पार्टीशन केस डालते हैं, तो वो जो केस है वो सालों साल चलता रहता है। और इसमें ये नहीं है कि आपने जो है आज केस डाला और उसका जो डिसीजन है वो 6 महीने में या फिर 1 साल में आ जाए, क्योंकि ये एक पार्टीशन सूट है और इसका बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है। इसमें सिर्फ ट्रायल कोर्ट में ही कम से कम 3 साल से लेके जो है 7-8 साल तक भी लग सकते हैं, और अगर इस केस की अपील डल गई तो इसमें जो है वो 10 साल से लेके 15 साल तक भी लग सकते हैं, जिससे आपका जो है वो टाइम भी ख़राब होगा। कम से कम जो आप ये मान के चलिए आपका 5 से 10 साल तक का जो टाइम है वो ख़राब हो सकता है, और साथ में ही आपका जो है वो पैसा भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पार्टीशन के रिगार्डिंग झगड़ा है वो हर घर में होता रहता है, चाहे कोई अमीर घर है या फिर कोई गरीब घर है, वो उस हिसाब से उनकी जो है वो फाइट रहती है, और सब ये चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरे को आ जाए या फिर ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरे को आ जाए, और इसी डिस्प्यूट में जो है वो कोर्ट में चले जाते हैं और उनका जो है पार्टीशन सूट चल जाता है, जिसमें उनका बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर एक बार एक फैमिली में कोई भी एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तो उससे 2 से 4 और 4 से 6 डिस्प्यूट कैसे क्रिएट हो जाते हैं ये उनको पता ही नहीं लगता। उनके बीच में जो है वो क्रिमिनल केसेस भी शुरू हो जाते हैं, और उनके बीच में आपसी अनबन या फिर फैमिली डिस्प्यूट या फिर हाथापाई भी जो होना शुरू हो जाती है। तो इन सभी का सोल्यूशन मैं आपके लिए आज की वीडियो में लेके आया हूँ, जिसका नाम है फैमिली सेटलमेंट डीड, जिसको हम पारिवारिक समझौता भी कह सकते हैं, और साथ में ही जिसको म्यूचुअल सेटलमेंट बिटवीन दी फैमिली मेंबर्स भी कहा जाता है, जिसमें कि ये लिखा जाता है कि किस पर्सन को, किस फैमिली मेंबर को कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र होगी और वो उसके नाम पर होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो भी आपके केस अगर आज की डेट में कोर्ट में भी पेंडिंग है, तो उन केसेस में भी आप जो है वो फैमिली सेटलमेंट डीड क्रिएट कर सकते हैं और अपने डिस्प्यूट को एक ही दिन में निपटारा करवा सकते हैं। तो अब हम समझते हैं
कि फैमिली सेटलमेंट डीड जो है वो कैसे काम करती हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फैमिली में जो तीन मेंबर हैं जिनका आपसी डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी को लेकर, अगर हम मान लेते हैं कि उनकी फैमिली में अगर तीन प्लॉट हैं और वो तीन मेंबर हैं, तो उनका एक सिंपल सा फैमिली सेटलमेंट डीड ये हो सकता है कि हर बंदे को जो है वो एक प्लॉट मिलेगा। इस फैमिली सेटलमेंट को तो हर कोई समझ सकता है क्योंकि एक सिंपल सा पार्टीशन है। अब हम ले लेते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल जिसमें तीन फैमिली मेंबर हैं और अगर दो प्लॉट हैं, तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं। उस सिचुएशन में वो ये कर सकते हैं कि जो दो मेंबर हैं उनको वो एक एक प्लॉट जो है वो दे दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जिन दो मेंबर्स को वो प्लॉट मिले हैं, तो वो क्या करेंगे, जो भी उनके पास अमाउंट है तो उस अमाउंट को कलेक्ट करके जो भी एक प्लॉट की वैल्यू है, उस प्लॉट की वैल्यू का सेम प्लॉट जो है वो थर्ड पर्सन को, थर्ड मेंबर को दिलवा सकते हैं। या फिर जो भी उनके पास अमाउंट है तो वो अमाउंट जो है वो 50-50% कलेक्ट करके या तो थर्ड जो प्लॉट है वो उसके लिए खरीद सकते हैं, या फिर वो कर सकते हैं कि वो अमाउंट जो भी एक प्लॉट की सेम वैल्यू का है तो वो कलेक्ट करके उस अमाउंट को उस थर्ड पर्सन को दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी उनकी फैमिली सेटलमेंट डीड जो है वो तैयार हो सकती है। तो अब हम ले लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल कि अगर कोई भी तीन मेंबर हैं जिनके बीच में एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, मान लीजिए सिर्फ अब एक ही प्लॉट है। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि तीन मेंबर थे, तीन प्लॉट थे। दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि तीन मेंबर थे, दो प्लॉट थे। अब हम जानते हैं तीन मेंबर हैं, एक प्लॉट है। अगर यहाँ पर डिस्प्यूट है तो अब क्या कर सकते हैं वो कि एक जो प्लॉट है वो किसी एक फैमिली मेंबर को दिया जा सकता है, और वो जो फैमिली मेंबर है जिसको वो प्लॉट दिया गया है तो वो सेम अमाउंट का उन दोनों के लिए जो है वो प्लॉट खरीद के उनको दे सकता है। और अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है तो जो भी वो एक प्लॉट है वो तीनों फैमिली मेंबर उस प्लॉट को बेच सकते हैं, और उस प्लॉट को बेचने के बाद जो है वो इक्वली अमाउंट डिवाइड कर सकते हैं। उनकी जो फैमिली सेटलमेंट डीड है वो इस तरीके से भी तैयार हो सकती है। अब हम जान लेते हैं कि अगर आप कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसको फैमिली सेटलमेंट डीड के हिसाब से अगर डिसाइड करते हैं या फिर पारिवारिक जो समझौता है उसको तैयार करते हैं, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपका जो है वो पैसा वेस्ट होने से बच जाएगा, और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके जो 5 से 10 साल कोर्टों में लगने थे तो वो टाइम भी आपका जो है बच जाएगा, और तीसरा फायदा ये है कि आपकी फैमिली में कोई भी फैमिली डिस्प्यूट नहीं रहेगा, और फोर्थ बेनिफिट ये है कि आपकी फैमिली में एक शांति का वातावरण रहेगा और फैमिली में कोई भी अनबन, कोई भी हाथापाई नहीं होगी। तो अब हम जान लेते हैं कि इस फैमिली सेटलमेंट डीड को हम कैसे कर सकते हैं या फिर कैसे इन प्रॉपर्टी का डिवीजन कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है आप अपने गांव के सरपंच को ले सकते हैं या फिर पंच को ले सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है तो उनको इस डिवीजन में बिठा सकते हैं, या फिर अगर आपके साथ कोई भी नहीं है तो आप एक एडवोकेट को भी इंगेज कर सकते हैं, तो उस एडवोकेट के थ्रू भी आप इस पार्टीशन को करवा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो फैमिली सेटलमेंट डीड है या फिर पारिवारिक समझौता जो है वो किस मोड में हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। वो या तो ओरली भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो वो समझौता है उसको आप रिटन में बनाए, उसको आप लिखित में बनाए, और उसको जो है आपने रजिस्टर भी करवाना है जो भी आपके नियरेस्ट रजिस्ट्रार है या फिर सब रजिस्ट्रार है, क्योंकि इससे जो आपका काम पक्का हो जाएगा और आपके पास फ्यूचर में कोई ना कोई प्रूफ जरूर होगा कि हमारा जो है आपसी पारिवारिक समझौता ये हुआ था और इसके रिगार्डिंग ये डॉक्यूमेंट है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि जो भी आपके बीच में समझौता हुआ है तो उस पे जितने भी फैमिली मेंबर्स है जिनका आपसी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है उनके सिग्नेचर जरूर कराएं, और साथ में ही मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि कम से कम आप 2 विटनेस जो है उनके भी उस पर साइन कराएं कि ये जो इंडिपेंडेंट विटनेस है तो इनके हमने साइन करा लिए हैं और इनकी प्रेजेंस में ये जो समझौता हमारा हो गया है और ये प्रॉपर्टी इनके पास गई है, ये प्रॉपर्टी इसको चली गई है। तो इस हिसाब से अगर आप तैयार करेंगे तो वो आपका एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट होगा। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप आपका जो भी पारिवारिक संपत्ति के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है या फिर मुकदमा है या फिर केसेस हैं उनको कैसे एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा,
पैसा भी बचेगा और आपके परिवार में जो है वो शांति भी बनी रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि कैसे आप जो भी आपका पारिवारिक संपत्ति के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है उसको कैसे एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं और एक ही दिन में उसका बंटवारा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।